वैसे तो हर साल ही रामनगरी अयोध्या में आयोजित होने वाला दीपोत्सव खास होता है, जिसे देखने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर से भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन इस साल का दीपोत्सव खास होने वाला है, क्योंकि इस साल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालु पहला दीपोत्सव मनाएंगे। इसके लिए अयोध्या समेत दूर दूर से आने वाले लोग एक्साइटेड तो हैं ही, वहीं प्रशासन भी एक्टिव मोड में है। दीपोत्सव के मौके पर यहां पहुंचने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उनकी तरफ से खास तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भी खास तैयारियां की गई हैं। दीपोत्सव हमेशा से एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहा है और ये दीपोत्सव चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद का पहला दीपोत्सव है, इसलिए इसका एक विशेष महत्व है। यहाँ पर सभी तैयारियों को उसी स्केल पे और उसी तरीके से किया जा रहा है, ये एंटिसिपेट करते हुए कि भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालुगण आएंगे। यहाँ की जो मेन चैलेंजेस है उसमें क्राउड कंट्रोल है और आप जानते हैं इतनी सारी आतिशबाजी होती है, तो उसको सेफ तरीके से कराना है। चूंकि ये कई वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं पहले से ही एक सेट तरीके से की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद थोड़ा सा इसमें श्रद्धालुओं का इसमें वृद्धि ज़रूर होगी, लोगों में आने का उत्साह होगा, तो उस हिसाब से भी पुलिस प्रशासन और तैयारी करेगा। रिहर्सल्स होंगे, जो भी लोग आएंगे उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग होगी और हर आदमी को अपने रोल के बारे में पता बताया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर बात की जाए सर जी तरीके से दीपोत्सव में आज एक उत्सव की तरह लोग मनाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पहला दीपोत्सव है और विदेशी मेहमान या तक कि पीएम भी दीपोत्सव में आ चुके हैं, अगर बात की जाए सुरक्षा को लेकर तमाम अयोध्या हमेशा निशाने पे रहती है, तो इसके सरकार से निगरानी करेंगे। लाखों के लाख लोग आते हैं और खास करके हर कोई खुश रहता है, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। देखिए निगरानी जो है वो त्यौहार से कई दिनों से पहले से शुरू होती है, उसके अलग अलग तरीके हैं, वो साझा करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं केवल आपको यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे त्यौहार को, इस पूरे पर्व को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए, जिसमें जन सामान्य को कोई दिक्कत भी ना हो और जो बाहर से आने वाले विशिष्ट व्यक्ति है उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना आए, इसका एक मेल करके मिलाप करके जो है वो अच्छी तरह से व्यवस्था की जाएगी। और इसलिए हमारे पास पूरी तरह से संसाधन उपलब्ध है, जो स्पेशलाइज एजेंसीज है जिसमें एटीएस और एसटीएफ से लेकर अन्य भी एजेंसीज है उनका भी सहयोग इस समय होता है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहती है, तो सभी के सहयोग से और जिला प्रशासन के पूरी तरह से जो उन्होंने तैयारी की है उसको लेकर ये कार्यक्रम को अच्छी तरह से कराया जाए। सेटअप्स लग रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि राम की पैड़ी पे स्टेजेस लगने चालू हो गए हैं, बैरिकेडिंग चालू हो गई है, राम कथा पार्क में जो व्यवस्था होनी वो कार्यक्रम चालू कर दिए गए हैं और कल्चर प्रोग्राम्स भी शीघ्र प्रारंभ कर दिए जाएंगे। तो अलग अलग वेन्यूज पे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, झांकियां निकलती हैं, फिर जितने भी मंदिर हैं अयोध्या में बहुत बड़ी संख्या में वो वहां पर भी दीपोत्सव का एक माहौल रहता है, वहां पर दीपक वो लोग स्वयं भी दीपक जलाते हैं उस दिन और प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में दीपक उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वो लोग भी उसमें दीपोत्सव में प्रतिभाग कर सकें। तो इस प्रकार से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम लोग संचालित करते हैं और वो सब प्रारंभ हो रही है ग्रेजुअली आप देखेंगे तो, और ये इसका पीक पहुंचेगा 30 तारीख को, 29 को रिहर्सल्स कुछ होंगे और फिर 30 को जो मुख्य कार्यक्रम है वो होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सामूहिक आरती नहीं हो रही है, ड्रोन शो नया हो रहा है और जो जो दीपक हैं वो पिछली बार जो हमारा वो था जो रिकॉर्ड था उससे ज़्यादा इस बार 25 लाख दिए हम लोग जलाएंगे। रामलीलाएं सब होंगी 30 तारीख को, अंतर्राष्ट्रीय रामलीलाएं होंगी, वहां से काफी सारे ट्रूप्स आएंगे यहाँ पे पिछले वर्षों के मुकाबले, वो जैसे ही हमको कंफर्म सूचना मिलेगी कि कौन कौन आ रहे हो आपको बताया जाएगा, वो सब रामकथा पार्क में इनका आयोजन किया जाता है। इस बार वहाँ पे दशरथ दीर्घा निर्माण हो चुका है तो वॉलंटियर्स को जितनी संख्या में संभव हो सके ताकि दीपक जलाने के बाद वहाँ पे जो खड़े होने की स्थान नहीं रहता था वो ऑब्स्ट्रक्शन
रहता था, एक व्यू अनहिंडर्ड नहीं मिल पाता था, वो इस बार ना हो ये प्रयास है। तो उन सबको हम लोग दर्शन दीघा में बैठाने का प्रयास करेंगे। श्री राम जन्मभूमि के अंदर भी जिस प्रकार से पहले आयोजन होता रहा है दीपोत्सव का, उसी प्रकार से होगा और वहां पर भी बड़ी संख्या में दीपक जलाए जाएंगे और वहां पर तैयारियां चल रही हैं उसकी। और ये पहला जो पहली दिवाली है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, तो उसी के हिसाब से वहां तैयारी। आपको बता दें कि इस बार दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में 3 दिनों तक चलने वाला है, जिस दौरान 55 घाटों पर 25 लाख दिए जलाकर कीर्तिमान बनाने का उद्देश्य है। इसके साथ ही 2024 के दीपोत्सव में पहली बार श्रीराम के जीवन से जुड़ी झांकियां भी देखने को मिलेंगी, जिसके लिए काफी समय से तैयारियां चल रही हैं।